असलम एंड हैलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश विद मारिया टुडेज टॉपिक विच आई एम गोइंग टू कवर इट अपज द रिमेनिंग फोर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस एज आई हैड डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस दाइंड्स ऑफ प्रोनाउंस एंड आई हैड एक्सप्लेन अर्लियर देर द रिंगोरउंस आई विक्सप्लेन इट लेटर असल मेरे चैनल पर सबको Uh, आज मैं जो टॉपिक मैंने लिया है वो है बाकी चार रिमेनिंग जो रह गए थे प्रोनाउन के एग्ज़ाम मैंने जैसे पे आपको पहले लेसन में बताया था कि टोटल आठ एग्ज़ाम के प्रोनाउंस हैं जिनमें से चार मैं आपको अभी बता रही हूँ और चार जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी ठीक है जो पे फर्स्ट फोर काइंड ऑफ प्रोनाउंस हैं वो कौन से हैं पर्सनल डेमोस्ट्रेटिव इंटेरोगेटिव और रेलिटिव प्रोनाउन आज जो मैं एक्सप्लेन आपको करने वाली हूँ वो है इंडेफिनेट रिफ्लेक्सिव डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन इनडेफिनेट प्रोनाउन किसको कहा जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये सारी चीजें मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगी और आप में से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया करें तो वो कमेंट बॉक्स पे काइंडली क्वेश्चन अपना पूछ लिया करें सो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगी इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है इन्डेफिनेट प्रोनाउ जब हम किसी गैरमोन शख़्स जानदार या शय के बारे में कोई बात कहते हैं तो इस जुमले में तादाद का इस्तेमाल किए ब़ैर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर एनी वन नन ऑल सम वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं लिहाजा किसी जुमले में इस्तेमाल होने वाले मस्कुरा वाले अल्फास इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं मिसाल के तौर पे ऑल द बॉयज़ वेल ऑल द बॉयज़ वेल इस जुमले में लड़कों की तादाद ना बताकर सारे लड़कों के लिए एक लफ्ज़ एक लफ इस्तेमाल किया गया है लिहाजा इस जुमले में लफ्ज़ ऑल इंडेफिनट प्रोनाउन है चलें अब इंग्लिश में डेफिनेशन समझते हैं एन इनडेफिनेट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन थिंग और अमाउंट इट इज़ नॉट डेफिनेट सम टिपिकल इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर ऑल एन अदर एनी एनी बडी एनी वन एनी थिंग ईच एवरीबडी एवरी वन एवरी थिंग एंड समबडी सम आई माई सेल्फ आई माई सेल्फ वॉज प्रजेंट इन द क्लास यहाँ पर आई माई सेल्फ प्रजेंट इन द क्लास मैं ख़ुद क्लास में मौजूद थी लेकिन मैं वहाँ पर मेरे अलावा कितने स्टूडेंट्स थे मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया जुमले में ठीक है एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ समझाने के लिए वन शुड माइंड इज ड्यूटी वन शूड माइंड हिज़ ड्यूटी इस जुमले में हर एक से मुखातिब होकर लफ्ज़ वन इस्तेमाल किया गया है जिसके माने हर एक के हैं लिहाजा इस जुमले में लफ्ज़ वन ओ ई वन -E इंडेफिनट प्रोनाउन है अब हम चलते हैं सिक्स टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं चलें पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है जब हम किसी जुमले में किसी नाउन पर जोर देते हैं तो यूं कहते हैं आई माई सेल्फ वॉट प्रजेंट इन द मीटिंग आई माई सेल्फ वॉट प्रजेंट इन द मीटिंग इस जुमले में कहले वाले ने अपने फेल पर जोर देने के लिए लफ्स माई सेल्फ का इस्तेमाल किया है चलें इंग्लिश में डेफिनेशन समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्फ दैट आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट

मैं जल्दी में थी इसलिए मैंने अपनी गाड़ी खुद ही धो ली यू आर गोइंग टू हैव टू ड्राइव योर सेल्फ टू स्कूल टुडे यहाँ पर योर सेल्फ जो है वो क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ठीक है अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ और समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम एग्ज़ाम्पल्स के साथ किस तरह समझ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब हम किसी जुमले में नाउन का नाम ना लें लेकिन हर एक की तरफ इशारा करना हो तो इसके लिए लव्स हर एक वगैरह इस्तेमाल करते हैं ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है क्या हमें अगर किसी एक की तरफ इशारा नहीं करना हो और हमें हर एक की तरफ इशारा करना हो और अपनी बात पहुंचानी हो तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को अगर मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँ मैं दोनों में इसलिए एग्जांपल्स में समझा रही हूँ क्योंकि जब एग्जांपल्स दी जाती हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होती हैं अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रादर देन कलेक्टिवली दे इंक्लूड ईदर नीदर एंड अदर्स ठीक है अब हम आज से मैंने सोचा है कि मैं जो भी पढ़ाया करूँगी उसके साथ मैं आपको एक होमवर्क भी दिया करूँगी जो कि मुझे पता चलना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है और उनमें कहाँ कहाँ उन्हें समझने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है ठीक है एग्जांपल्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की दो तीन और एग्ज़ैम्पल्स समझ लेते हैं नीदर ऑफ दैम प्लेज वेल इस जुमले में नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है एनी ऑफ़ यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम एज अ लीडर ऑफ द टीम एनी यहाँ पर एनी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कि आप में से कोई भी प्रोग्राम में एज अ लीडर ऑफ द टीम ज्वाइन कर सकता है नन ऑफ आर फ्रेंड्स वन टू द क्रिसमस पार्टी यहाँ पर नन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कि हम में से हम, को, हम हम सब दोस्तों में से कोई भी क्रिसमस पार्टी में नहीं गया अब हम चलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरफ ये लास्ट काइंड है प्रोनाउंस की जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि एट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं और ये एट प्रोनाउन है जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन जब हम किसी जुमले में एक शख्स या चीज़ का दूसरे के साथ तस्करा करते हैं तो इसके लिए जुमले में एक दूसरे आपस में वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह इस अंग्रेज़ी में ईच अदर, एंड अदर वगैरह इस्तेमाल करते हैं ये अल्फाज अंग्रेज़ी ग्रामर के लिहाज से रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है मिसाल के तौर पे, ऑल द बॉयज़ लव ईच अदर यहाँ पर ईच अदर का ईच अदर का क्या मतलब है यहाँ पर ईच अदर एक दूसरे के ताल्लुकात का इजहार कर रहा है या एक दूसरे के ताल्लुकात को जाहिर कर रहा है इसका मतलब क्या है ऑल द बॉयज़ लव ईच अदर सारे लड़कों को एक दूसरे से प्यार था वो दोस्त भी हो सकते हैं ग्रुप मेंबर्स भी हो सकते हैं क्लासमेट्स भी हो सकते हैं वो कोई भी हो सकते हैं ईच अदर लेकिन उनके ताल्लुक को आपस में एक दूसरे से जाहिर कर रहा है ठीक है देखें जब भी कोई चीज एक टीचर का, का काम होता है पढ़ाना और स्टूडेंट समझ रहे होते हैं लेकिन उस समझने में भी कुछ स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आराम आराम से एग्ज़ाम्पल्स दे के समझ में आ रहा होता है तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के सारे स्टूडेंट्स को जो उनको थोड़ा आराम से समझ में आता है या जो माशाल्लाह तेज़ी से ग्रैप कर लेते हैं वो दोनों ही मेरी लेसन से फ़ायदा उठा सकें यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ वी गिव ईच अदर गिफ्ट्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज यहाँ पर ईच अदर एक दूसरे के ताल्लुक को बता रहा है कि हमने हॉलीडेज में या छुट्टियों में एक दूसरे को तहाइफ दिए या तोहफे तहाइफ दिए ठीक है अब एग्जाम्पल या मैं ये कहूं डेफिनेशन अगर मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहूँ कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है तो वो मैं आपको बता देती हूँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन The term reciprocate means to give in return. This definition will serve you well, like the sentence in which the connection of the people shows in one sentence. For example, if I am using the word each other, or uh, if I'll say like if the like if the words are connecting with each, each other so those words represent a reciprocal pronouns thank you so much for all the people out there and here we are ending our types of pronouns today and hopefully we'll bring a new lesson very soon and very informative and very knowledgeable towards my students thank you so much for all the people who subscribe my channel it's really a very good motivation for me that uh, like uh, you guys are really taking interest in uh, like in taking knowledge as well whatever questions you have kindly write on my comments box box i really appreciate your all um, beautiful comments and your appreciation thank you so much all of you thank you